उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में हरियाणा नए आयाम स्थापित करेगा और प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा। उपरोक्त शब्द जजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संतोष दहिया ने बबैन में जजपा के कार्यालय में कहे। कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लड्डू भी बांटे। इस मौके पर संतोष दहिया ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया है। दुष्यंत चौटाला की युवा सोच है और युवाओं को हरियाणा की नौकरियों में 75% हिस्सा दिलवाएंगे। आज दुष्यंत जी के उप मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में लाडवा हलके की तरफ से लड्डू बांटे गए हैं, खुशियां मनाई गई हैं, क्योंकि दुष्यंत जी ने जो वादा किया था लोगों के साथ कि हम लोगों को सत्ता में उनको हिस्सेदारी कराएंगे और 75% युवाओं को रोजगार में हिस्सा दिलवाएंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, उसके नाते दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बने हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये खुशियां मनाई जा रही हैं और लड्डू बांटे जा रहे हैं। देखिए, परसों आंदोलन हुआ लाडवा में, मंडी के लोगों ने रोड जाम भी किया और मैं खुद 4.5 घंटे उस आंदोलन में रही और उनका हिस्सा बनी। जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ तब तक मैं बीच में रही। मैंने दुष्यंत जी से बात की और उन्होंने इंटरफेयर किया और उसके बाद अधिकारियों से बातचीत करके हमने जीरी की उठान शुरू करवाया। उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे पास अभी लाडवा में संगठन नहीं था। अब हमने आज से ही अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं सबकी ड्यूटी लगा दी गई है कि अपने अपने गांव में जो जो मजबूत आदमी हैं हम उनको आज जेजेपी से जोड़ेंगे और आने वाले 6 महीने में आपको हर जगह केवल जेजेपी दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये सरकार स्थायी सरकार है और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हम उसका हिस्सा हैं और हम लोगों के लिए काम करेंगे। लोगों के काम करने के लिए हम लोग सरकार का हिस्सा बने हैं और कोई ऐसी मुझे हालात नजर नहीं आते कि सरकार बीच में छूटे। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।